तो परिवर्तन निश्चित गांधी के साथ हो। आज प्रदेश का माहौल बिल्कुल एकदम आपने देखने का काम कर लिया कि प्रदेश के अंदर किस तरीके के माहौल बना हुआ है। इस माहौल के अंदर हमें राहुल गांधी की बात करनी है, इस माहौल के अंदर हमें मोहब्बत की बात करनी है। ये राम के नाम के ऊपर जब हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, कल हमने परसों मेरठ में बोल दिया था, पता नहीं क्या समझ में नहीं, आपने सुन लिया होगा मेरा बयान। कल से सारे टीवी चैनल वाले भागे हुए फिर रहे थे मेरे पीछे पीछे, मैंने भाई गलत क्या बोल दिया, ये राम का देश है, ये देश राम का है। अल्लामा इकबाल ने कहा है राम इमाम हिंद थे, ये देश राम का है, देश के कंगल में राम बसते हैं। राम की 22 जनवरी को जाना केवल भक्ति होगी ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय अविनाश पांडे जी बैठे हैं, ये जा रहे हैं परसों का अयोध्या, ये परसों पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राम नाम नहीं है, विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले ये उंगत वाले पांव में, राम मिले ये मजवटी की छाव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। कहा की बातें करते हैं, किरण देश को ले आना चाहते हैं, ये कहेंगे जिस तरह राम की पूजा उस तरह पूजा करेंगे, जो पूजा की पद्धति होगी उसी तरीके से आस्था का विषय है राम। राम चर्चा का विषय नहीं है, राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, बार बार चौक किया जाता है, बार बार चौक किया जाता है। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई आदेश दे दिया उसके बाद हमने कोई सवाल उठाया नहीं, फिर भी हमसे सवाल किया जाता है, फिर भी हमसे सवाल किया जाता है, और उससे बार बार सवाल करते हैं। मैंने कहा मुझसे क्यों सवाल करते हो, ये सवाल जाकर के शंकराचार्य जी से पूछ लो ना कि वो क्यों नहीं जा रहे, ये हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं, हम तो कुछ क्या कर रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, क्या है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम ये पूरा विश्व एक परिवार है, मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है, एक ऊर्जा से, और जब मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई और विश्व पूरा पर एक परिवार है, तो उस परिवार का हिस्सा इमरान हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो आप साथियों। इमरान भी राम के परिवार का हिस्सा है, और ये बैठ हजरत बैठे हुए हैं, हम किसकी औलाद है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये पूरी दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो फिर बता दो मुझे, सारी विश्व जब एक है, जब समंदर एक है, तो उसकी बूंदे अलग अलग कैसे हो गई। हम इंसानियत के रिश्ते को बांटने की बात नहीं करते, हम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करते हैं, हमारे नेता मोहब्बत की बात करते हैं। मैं ये बात इसलिए क्या करके जा रहा हूं, ये श्री कृष्ण की पावन धरती है, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलना निश्चित है, निश्चित है श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलना। और कहां मिलेंगे राम, राम तो मर्यादा से जीने में मिलेंगे, इन अमर्यादित लोगों से उम्मीद मत करना साथियों। इसलिए अपनी बात खत्म करूंगा सिर्फ इस उम्मीद के साथ, क्योंकि संगठनात्मक मीटिंग है, संगठन की मीटिंग है, और बधाई देना चाहता हूं माननीय अविनाश पांडे जी को, आपने एक सार्थक प्रयास किया है साहब, ये जो संगठन तैयार हुआ है, क्योंकि जब तक कप्तान मजबूत ना हो फौज डरती नहीं, कप्तान की रणनीति भी मजबूत है और कप्तान भी मजबूत है, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर
कांग्रेस के अंदर परिवर्तन निश्चित है साथियों। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।